Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of December 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about National Pension Scheme. This topic is important from our syllabus, paper 3, governance point of view, especially the subtopic social security point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं. तो एज आई टोल्ड यू दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द नेशनल पेंशन स्कीम दैट वाज इनिशिएटेड ऑन 1 जनवरी 2004. और इस आर्टिकल की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे दैट हाउ दिस न्यू पेंशन स्कीम जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड पेंशन स्कीम जो इसके पहले एप्लीकेबल था. तो फिगर की मदद से समझते हैं. देखिए, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे who had joined the job before 1 January 2004, उन सब के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम अभी तक एप्लीकेबल है जिन्होंने इसके पहले जॉब ज्वाइन कर ली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन गए थे. ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या? उसमें कैसा है कि जिस दिन ये एम्प्लॉय रिटायर होते हैं उस दिन जो उनकी सैलरी होती है मंथली सैलरी उसका 50% अमाउंट उनको पेंशन की तरह मिलता है. फॉर एग्जांपल, अगर रिटायरमेंट के टाइम में एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उनकी सैलरी थी 1 लाख रुपए, तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इनको मंथली पेंशन मिलेगी 50,000 रुपए की और उसमें एनुअल हाइक भी होगा 3% से. सो एवरी ईयर देर विल बी 3% हाइक एज वेल. तो इस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम काम करता था. लेकिन 1 जनवरी 2004 को भारत सरकार लेकर के आई न्यू नेशनल पेंशन स्कीम, एक नया तरीका फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉयज़. तो इस न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से देखिए कैसा है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी से, जब वो जॉब कर रहे हैं तभी उनको अपनी सैलरी से 10% अमाउंट उनको कंट्रीब्यूट करना होगा अपने पेंशन फंड में और वो पैसा इकट्ठा होता जाएगा उनके पेंशन फंड में. भारत सरकार भी उतना ही एग्जैक्टली उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी उनके पेंशन फंड में जितना वो अपने पेंशन फंड में एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. और उनके रिटायरमेंट के वक्त वो फंड में काफ़ी सारा पैसा जमा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ 1.5 करोड़ इस तरीके से जमा हो जाएगा क्योंकि हर ने वो अपनी सैलरी से 10% का पैसा वो जमा कर रहा है. वो एम्प्लॉय और सब भारत सरकार भी इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है. तो जब वो रिटायरमेंट का वक्त आएगा तो मान लीजिए कि उनकी अकाउंट में ये जो पेंशन फंड है उस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए तो उस 1 करोड़ रुपए को अब कन्वर्ट करा दिया जाएगा एन्यूटी मॉडल में. एन्यूटी मॉडल मतलब हर महीने उस 1 करोड़ रुपए को एक सर्टेन फंड की तरह दिया जाएगा. मतलब 1 करोड़ रुपए को इस तरह से अगर एन्यूटी मॉडल में कन्वर्ट कर दिया जाए मान लो 10 साल के लिए, तो उसका मतलब ये है कि अब आपको हर महीने 30,000-40,000 इस तरह से मिलेगा. वो 1 करोड़ रुपए आपको एक एक महीने के पैसे को करते हुए 10 सालों में आपको वापस मिलेगा. जैसे ईएमआई होता है, जब हम लोन लेते हैं तो हर एक महीने हमें एक ईएमआई चुकाना होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट, वैसे ही ये उसका बिल्कुल उल्टा है. आपने पैसा जमा कर दिया है, वो पैसा आपको मिलेगा मंथली इंस्टॉलमेंट की तरीके से जो आपकी पेंशन की तरह माना जाएगा. तो ये अंतर है. तो अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए दोनों सिस्टम के बीच में, ओल्ड और न्यू सिस्टम के बीच में, तो बस अंतर इतना है कि ओल्ड सिस्टम में भारत सरकार डायरेक्ट पेंशन देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फ्रॉम इट्स ओन कॉर्पस फंड. भारत सरकार की अपनी फंड है और उस फंड से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलता था. उसमें इनको खुद कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना होता था. लेकिन अब जो नया सिस्टम है इसके हिसाब से एक अथॉरिटी बनाई गई है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. और जो भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जिसने 1 जनवरी 2004 के बाद से ज्वाइन किया है, इस एम्प्लॉई को अपना एक अकाउंट खोलना होगा विथ दिस अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो इस अथॉरिटी के पास जाकर के अपना एक अकाउंट खोलना होगा. उस अकाउंट का नाम होगा एम्प्लॉई पेंशन अकाउंट फंड. और इस फंड में इस एम्प्लॉई को
10% अपना सैलरी डालना होगा, जो भी इनकी सैलरी, अगर 1 लाख रुपए की सैलरी है तो हर महीने 10-10 हज़ार रुपये डालेंगे, और जितना पैसा ये डालेंगे उतना ही पैसा भारत सरकार भी डालेगी उनके पेंशन अकाउंट फंड में। और जब ये फंड जमा होता जाएगा इनके रिटायरमेंट के वक्त वो जो भी फंड है उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में करके इनको वापस दिया जाएगा। अगर वो 1 करोड़ का फंड है मान लीजिए, तो इनको अलाउ किया जाएगा कि आप 60% तक पैसा एक बार में आप निकाल सकते हैं, मतलब 60 लाख रुपए तक ये एक बार में वन टाइम विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 40% अमाउंट, मतलब कम से कम अगर 1 करोड़ है तो 40 लाख रुपए इनको मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर्म में या पेंशन फॉर्म में मिलेगी। तो ये है न्यू पेंशन स्कीम जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। अब बेसिकली न्यू पेंशन स्कीम के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं जो इस आर्टिकल में कवर किया गया है। न्यू पेंशन स्कीम के पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं। ऑफ कोर्स इसमें भारत सरकार के ऊपर फिस्कल बर्डन कम हो जाएगा, अदरवाइज पहले कैसा होता था कि इतने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रिटायर होते रहते हैं और सबको पेंशन देना होता है भारत सरकार को, और उनके मरने के बाद अगर उनकी डेथ भी हो गई तो उसके स्पाउस को 25% पैसा देना होता है एज पेंशन। तो मान लीजिए किसी इंसान की सैलरी थी रिटायरमेंट के टाइम में 1 लाख रुपये, तो उनको पेंशन मिलेगी 50,000 रुपए की। अगर उनके मरने के बाद उनके स्पाउस को कम से कम 25,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, दैट वाज द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। वो जस्टिफाइबल नहीं था अकॉर्डिंग टू नियो लिबरल अप्रोच। तो ये नियो लिबरल अप्रोच टर्म मैंने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए टर्म इस्तेमाल किया है, आप इसको बेहतर समझते हैं। जहाँ पे नियो लिबरल अप्रोच कहता है कि मार्केट की मदद से ही लोगों की वेलफेयर करनी चाहिए, सरकार को खुद लोगों की वेलफेयर नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज इट लीड्स टू अननेसेसरी फिस्कल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। लेकिन इस नए अप्रोच का, नए पेंशन स्कीम का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, और क्रिटिसिज्म इस आर्टिकल में आया भी है कि इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी खतरे में आ गई है। अब उनको खुद अपने जेब से पैसा देना होता है, और अंत में वो फंड अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी हुआ, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा वो इकट्ठा नहीं कर पाए अंत में, तो उनकी पेंशन की अमाउंट काफ़ी कम हो जाती है, और पेंशन के अमाउंट कम होने के कारण ओल्ड एज में उनको और ज़्यादा ट्रबल झेलना पड़ता है, और उनके डेथ के बाद उनके स्पाउस के लिए कोई गारंटी नहीं है जो पहले पुराने सिस्टम में हुआ करता था। एंड दैट इज़ वाई जो वेलफेयर मॉडल वाला अप्रोच है, आपको पता होगा कि अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से अलग अलग लोग अलग अलग तरह का मॉडल प्रपोज करते हैं, खासकर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स तो जानते हैं कि देर आर टू मेन अप्रोच इन द लिबरल मॉडल्स, नियो लिबरल अप्रोच एंड वेलफेयर मॉडल अप्रोच। तो वेलफेयर मॉडल अप्रोच वाले कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में आप इसका इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, वेलफेयर मॉडल एंड नियो लिबरल मॉडल। बाकी सब लोग ये जनरल आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी नेट खतरे में आ जा रही है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें समझते हैं। देखिए, ये नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में लाया गया फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, लेकिन 2009 में इसी नेशनल पेंशन स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया टू अदर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एज वेल, इट वाज एक्सटेंडेड टू प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ एज वेल। तो अब अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं तो भी आपके लिए स्कीम अप्लीकेबल है। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या सरकारी में काम कर रहे हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट अपना एक अकाउंट खोलेंगे विद दिस एजेंसी, नेशनल पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के पास आपका एक अकाउंट खुलेगा, एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट फंड। जितना पैसा आप डालेंगे 10% अपनी सैलरी का, उतना ही पैसा सरकार डालेगी। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो आपका अपना अकाउंट, पेंशन अकाउंट किसी बैंक में खोलना होगा, वो बैंक जिसके अंदर पेंशन फंड खुलता हो, और वो जो पेंशन फंड होगा दैट विल नॉट डायरेक्टली अंडर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट विल बी अंडर सुपरविजन ऑफ दिस अथॉरिटी। तो ये एक मेन अंतर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय उसका डायरेक्ट अकाउंट ये अथॉरिटी खोलती है, जबकि एक नॉर्मल प्राइवेट एम्प्लॉय जो होगा उसको बैंक में जाकर के एक अकाउंट खोलना होगा, पेंशन अकाउंट, जो अकाउंट सुपरविजन में होगा अंडर दिस अथॉरिटी। और बाकी सिस्टम वही है कि 10% पैसा आप डालेंगे और 10% पैसा आपका एम्प्लॉयर डालेगा, जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं वो डालेगा पैसा इस अकाउंट में। तो इस तरीके से देर इज सम बेसिक डिफरेंस, बट ओवरऑल द सिस्टम इज सेम। सो द क्रक्स इज दैट देर इज नॉट मच डिफरेंस इन द पेंशन प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग आफ्टर 1 जनवरी 2004 एंड प्राइवेट एम्प्लॉय। तो अब सबका पेंशन का तरीका मोर और लेस सेम हो गया, आप खुद कंट्रीब्यूट करें, जितना पैसा आप करेंगे उतना आपका एम्प्लॉयर करेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो भारत सरकार आपका एम्प्लॉयर है, अगर प्राइवेट है तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो उतना पैसा डालेगा, और अंत में आप उस पैसे को निकाल सकते हैं एज एन्यूटी मॉडल, दैट विल बी योर पेंशन।
उसके अलावा अब देखो ये सारी जो स्कीम्स थे, जो न्यू नेशनल पेंशन स्कीम है, ये तो फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो एक फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर वो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उन सब के लिए है। लेकिन उन लोगों का क्या जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल रिक्शा चलाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वो लोग जो रजिस्टर्ड नहीं है, छोटे मोटे जगह समोसा बेचते हैं मान लीजिए, वैसे लोगों का क्या, उनके लिए भी पेंशन सर्विसेज होनी चाहिए, उनका भी सोशल सिक्योरिटी हमें इंश्योर कराना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव से भारत सरकार ने फिर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वालों के लिए एक अलग से पेंशन स्कीम चलाया, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में कैसा है कि 18 से 40 साल के बीच का कोई भी इंसान इस अटल पेंशन योजना को ले सकता है। उसको पेंशन योजना के अंतर्गत एक इंडिविजुअल को मिनिमम 1,000 या मैक्सिमम 5,000 तक की पेंशन मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो हर महीने कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। मान लो वो हर महीने 42 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेगा अकाउंट में तो उसको 1,000 का पेंशन मिलेगा, और अगर हर महीने वो 291 कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको 5,000 का पेंशन मिलेगा। जितना एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है उतना ही भारत सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है। तो जिस तरीके से नेशनल पेंशन स्कीम में है, उसी तरीके से अटल पेंशन योजना में भी अगर आप एक इंडिविजुअल जाकर के एक अटल पेंशन योजना का अकाउंट खुलवाता है, देखिए आपका एक अकाउंट होना चाहिए पहले, अगर आपको अटल पेंशन योजना का बेनिफिट उठाना है तो एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और फिर आप उस अकाउंट की मदद से अटल पेंशन योजना फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। आप जाकर के बोल सकते हैं कि मुझे अटल पेंशन अकाउंट भी खोलना है, तो उसके हिसाब से फिर आपको हर महीने आपका जो नॉर्मल बैंक अकाउंट है उससे पैसा डिडक्ट होता रहेगा, ये जो 42 रुपीज़ है या 291 है जो भी आप ले वो डिडक्ट होता रहेगा, और दूसरे अटल पेंशन अकाउंट में वो जमा होता रहेगा। जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे 50% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन और ₹1,000 विच एवर इज लोअर, उतना पैसा भारत सरकार भी आपके अकाउंट में जमा करते रहेगी फॉर 5 ईयर्स, और इस तरीके से आपके अकाउंट में पैसा जमा होता रहेगा। और जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, इफ यू आर वर्किंग इन एन इनफॉर्मल सेक्टर तो आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रीब्यूशन आपको 1,000 से लेकर के 5,000 तक का पेंशन मिलेगा। आसाम सरकार ने इस तरह के कुछ और स्कीम्स चलाए हैं रिगार्डिंग पेंशन स्कीम्स फॉर डेस्टिट्यूट्स एंड ओल्ड एज पीपल, जैसे कि अरुणोदय, इंदिरा मीरी यूनिवर्सल विडो पेंशन स्कीम, कनक लता महिला सबलीकरण योजना। भी ये सारे स्कीम्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं करा रहा, लेकिन अगर कभी पेंशन पे सवाल आ जाए, सोशल सिक्योरिटी नेट पे सवाल आ जाए APSC में, तो आप ब्रीफली इन सब का भी मेंशन कर देना, ये तो पहले भी मैं करा चुका हूँ। इस टॉपिक के बेसिस पे मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट, इट इज अबाउट सुपर मैसिव ब्लैक होल मिसिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस Paper 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली सब टॉपिक स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल को समझने से पहले थोड़ा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं अबाउट ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल्स तो आप जानते ही हैं, वो सारे स्टार जो डेड हो जाते हैं उनके सारे अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है, दे कन्वर्ट इनटू अ ह्यूज डेंस मटेरियल जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। वो इतना हेवी होता है कि डज नॉट इवन अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, और उस लाइट को भी कैप्चर कर लेता है। ये सब तो आप जानते ही होंगे, हमने पहले भी कवर कर रखा है। यहाँ पे उनसे रिलेटेड, ब्लैक होल से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखो, एवरी लार्ज गैलेक्सी इन द यूनिवर्स हैज ए सुपर मैसिव ब्लैक होल एट इट्स सेंटर हुज मास इज अबाउट मिलियंस और बिलियन टाइम्स दैट ऑफ आवर सन। वो ब्लैक होल इतना बड़ा होता है, हमारे सन से बहुत ज़्यादा हेवी होता है, और हर एक गैलेक्सी के सेंटर पर एक ब्लैक होल जरूर होता है इन जनरल। जैसे कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, हमारा अर्थ या सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ये तो आपको पता ही होगा। उस मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंटर है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय अ ब्लैक होल जिसका नाम है सैगिटेरस ए स्टार विच इज अबाउट 26,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। तो देखो, करंट न्यूज़ ये कहता है कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका वजन लगभग हमारे सन से 100 बिलियन टाइम्स ज़्यादा होगा, दैट इज़ अपरेंटली मिसिंग, सीमिंगली मिसिंग। सीमिंगली मिसिंग का मतलब ये है कि हमारे साइंटिस्ट उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको एक जगह पे होना चाहिए लेकिन वहाँ वो हमारे साइंटिस्ट उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हुआ क्या है कि नासा का ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप है जिसका नाम है नासा चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप, उसके अलावा उनके पास दूसरा टेलीस्कोप है हुबल स्पेस टेलीस्कोप। इन दोनों टेलीस्कोप एंड ऑब्जर्वेटरी की मदद से भी ये एक मैसिव ब्लैक होल को देख नहीं पा रहे हैं।
ये ब्लैक होल को होना चाहिए था इन दिस एबल 2261 गैलेक्सी के सेंटर पे। जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर पे सैगिटेरियस ए स्टार, वैसे ही हर एक बड़े बड़े गैलेक्सी के सेंटर पे एक 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 ब्लैक होल होता है। इस गैलेक्सी एबल 2261 गैलेक्सी के भी सेंटर पे एक मैसिव ब्लैक होल होना चाहिए, लेकिन वो ब्लैक होल दिख नहीं रहा है, वो विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है। यही ये सरल सा न्यूज़ है। ये जो ब्लैक होल है दैट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 2.7 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आवर प्लैनेट। इस 2.7 बिलियन लाइट ईयर्स का मतलब ये है कि अगर उस ब्लैक होल से अगर लाइट चले तो उसको हमारे अर्थ पे पहुंचने में 2.7 बिलियन ईयर्स लगेंगे। तो अगर आप लाइट के स्पीड से भी चलते हैं इस ब्लैक होल से, तो हमारे अर्थ पे पहुंचने पे आपको 2.7 बिलियन ईयर्स लगेंगे। ये पूरा का पूरा न्यूज़ इतना ही सा है, बट मुझे लगता है कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर पे एक मैसिव ब्लैक होल होता है। इन जनरल ये आइडिया से एक सवाल बन सकता है कम से कम प्रीलिम्स में, इस कारण से मैंने ये आर्टिकल कवर किया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट। इट टॉक्स अबाउट कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया पाइपलाइन इनॉग्रेट किया है दैट कनेक्ट्स कोची टू मैंगलोर। तो ये देखो केरला के अंदर ये कोची है और यहाँ से ये पाइपलाइन, एक नई पाइपलाइन इनॉग्रेट की गई है दैट मूव्स थ्रू दिस एरिया एंड अल्टीमेटली इट कनेक्ट्स टू मैंगलोर इन कर्नाटका। और बीच में इसके एक जंक्शन भी है कुट्टनाड में इन केरला, उस जंक्शन से फिर ये पाइपलाइन का एक अलग रिंग निकलती है, एक अलग ब्रांच निकलती है एंड दैट कनेक्ट्स इट टू मैंगलोर। तो मैंगलोर में भी इस पाइपलाइन की मदद से अब नेचुरल गैस सप्लाई हो सकेगा। ओवरऑल इसकी कैपेसिटी है 12 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे, ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल लेंथ है इसका 450 किलोमीटर, अगेन नो नीड टू मग इट अप, इतना फैक्चुअल चीज़ें नहीं याद करनी है। इतना जरूर याद कर लेना कि कुट्टनाड में इसका एक जंक्शन है जहाँ से बैंगलोर की तरफ एक और पाइपलाइन जाती है। ओवरऑल ये जो पाइपलाइन हाल फिलहाल में इनॉग्रेट किया गया है, दिस इज़ पार्ट ऑफ वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। तो ओवरऑल हमारे देश का एक ओवरऑल विजन है हमारी सरकार का कि पूरे देश भर में इस तरह के पाइपलाइन नेटवर्क्स बिछा दिया जाए कि सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो। तो मतलब इसकी मदद से ऐसा हो कि केरला से भी अगर हमें जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में या नॉर्थ ईस्ट में अगर नेचुरल गैस भेजना है तो हम केरला के किसी जंक्शन से भी भेज पाएँ। दैट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वी हैव कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क, दैट विल बी नोन एज वन नेशन वन गैस ग्रिड। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ और देख लेते हैं। देखो ये जो प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल में इनॉग्रेट हुआ है, इसको स्टार्ट किया गया था 2009 में, और 2009 में जो केरला की सरकार थी दैट वाज लेड बाय सीपीएम पार्टी और उसके चीफ मिनिस्टर थे वीएस अच्युतानंद साहब एंड ही हैड गिवन ए सिंगल विंडो क्लियरेंस टू दिस प्रोजेक्ट। मतलब फास्ट क्लियरेंसेस दिया था उन्होंने इस प्रोजेक्ट को और टारगेट सेट किया गया था कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा 2013 तक, लेकिन बीच में ही सरकार हट गई। और जो लोग थे वहाँ के जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया 2009 में, उसके बाद से जो यहाँ के लोकल लोग हैं केरला के, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उनका ऐसा मानना था कि अगर इतना मैसिव पाइपलाइन यहाँ से गुजरेगा तो ये पाइपलाइन अगर कभी फट गया तो इट विल लीड टू मैसिव एक्सप्लोजन, और इस कारण से लोग इस पाइपलाइन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं होने दे रहे थे। लोगों का ऐसा मानना था या डिमांड था कि इस पाइपलाइन को आप समुद्र के बेस से आप बनाएं, फ्रॉम ओशन यू कनेक्ट कोची टू मैंगलोर, तो अंडर द सी आप इस पाइपलाइन को बनाएं। लेकिन ऑफकोर्स उसमें खर्चा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए सरकार अंडर द ओशन ये पाइपलाइन नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन 2009 में ये लैंड वाला पाइपलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन 2011 में वो सीपीएम की सरकार हट गई, वीएस अच्युतानंद साहब वाज नो लॉन्गर चीफ मिनिस्टर, और नए चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी उसके चीफ मिनिस्टर बने ओमन चांदी। अब ये जो कांग्रेस की सरकार बनी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, मतलब अलग अलग पार्टियों से मिलकर के सरकार बनी थी, किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी थी नहीं। और जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो सीपीएम वाले भी, सीपीएम पार्टी और उसके लीडर्स भी लोगों के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे।
तो मुद्दा यह है कि वो पार्टी जिसने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था सिंगल विंडो क्लियरेंस, उसी ने जब वो पार्टी पावर से बाहर चली गई और कांग्रेस की सरकार आ गई तो इसी सीपीएम पार्टी ने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया लोगों के साथ मिल करके, और प्रोटेस्ट इतना स्ट्रांग हो गया कि कांग्रेस की सरकार को इस प्रोजेक्ट को रोक देना पड़ा। तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद रहा टिल 2016। जब 2016 में वापस से सीपीएम की सरकार आई अंडर चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ पिनरी विजयन, तो फिर से इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक अप्रूवल दिया गया और अब जाकर के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया है अंडर गेल। तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को जो 4 सालों में कंप्लीट किया जाना था वो टोटल जाकर के 11 से 12 सालों में कंप्लीट हुआ है। अब इसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एसे में, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नेंस पेपर में। दिस कुड बी यूज्ड एज एन एग्जाम्पल दैट हाउ पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट विथ देयर वेस्टेड इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू कॉज इम्पेडिमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे सीपीएम की जब सरकार थी तो उसी ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था फास्ट ट्रैक मेथड में, जब उसकी सरकार चली गई तो उसने इस प्रोजेक्ट को चलने नहीं दिया, बिल्कुल हॉल्ट कर दिया लोगों के साथ प्रोटेस्ट करके मिल करके, क्योंकि जो भी सरकार रहती है अपोजिशन का काम एक ही होता है कि उस सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट को होने ना दो, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट उस सरकार के अंतर्गत सक्सेसफुल हो गया तो सरकार को क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये गैस लाइन पाइप प्रोजेक्ट को ये सीपीएम की सरकार, सीपीएम वाले जब आउटसाइड पावर चले गए, जब अपोजिशन में चले गए तो इस प्रोजेक्ट को उन्होंने होने दिया अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट, और जब वापस से सीपीएम की सरकार आई 2016 में तो फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराया। सो दिस इज अ क्लियर कट केस कि हाउ पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिंग विद देयर वेस्टेड इंटरेस्ट एक्ट एज अ ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्रीज का आप एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये इनिशियली पाइपलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2009 में तो इसका कॉस्ट था लगभग 2,915 करोड़, और अब जब फाइनली इसको कंप्लीट किया गया तो इसका कॉस्ट है लगभग 5,750 करोड़, मतलब कॉस्ट सीधा सीधा डबल हो गया है बिकॉज ऑफ दिस डिले। सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल कि हाउ पॉलिटिकल पार्टीज लीड टू डिले इन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, दैट इज कॉस्ट एंड टाइम ओवररन। कॉस्ट भी डिले हो जाता है, कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए प्रोजेक्ट्स को रुकवाते रहते हैं। जो भी अपोजिशन में होता है वो प्रोटेस्ट करता रहता है कि नहीं इस प्रोजेक्ट से ये होगा, इससे एनवायरनमेंट का नुकसान होगा, लोगों के राइट्स हैम्पर होंगे, और इस कारण से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश का नहीं हो पाता है। व्हाई? बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट विथ सेल्फिश एजेंडा। वन नेशन वन गैस ग्रिड के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए हमारे देश में 5 मेजर गैस ग्रिड है या गैस पाइपलाइन है, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन ये वाला, उसके अलावा गुवाहाटी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा विद धामरा एंड कोलकाता, और नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड जिसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स को गैस लाइन से कनेक्ट किया जाएगा, कोची कुटनाड बेंगलोर प्रोजेक्ट जो जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा एन्नोर थिरुवल्लर बेंगलोर एंड मदुराई टूटीकोरिन नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो ये 5 गैस लाइन प्रोजेक्ट्स हैं, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैं, इन सबको एक दूसरे से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, देन ओनली वी विल से दैट वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट has been successfully implemented. The next article is again taken from economy segment. It is about lithium discovery in India. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So lithium ion batteries का significance तो हमने last week ही देख लिया था, और वहाँ पे हमने देखा था कि हाउ लिथियम आयन बैटरीज आर यूज्ड, और लिथियम इज़ यूज्ड टू मेक रिचार्जेबल बैटरीज एंड दीज रिचार्जेबल बैटरीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग लैपटॉप्स मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि हाउ चाइना डोमिनेट्स द लिथियम आयन बैटरी मार्केट एंड इंडिया हैवली डिपेंड्स ऑन चाइना फॉर इम्पोर्ट ऑफ दीज लिथियम बैटरीज। और अब जब हाल फिलहाल में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है तो नाउ वी आर लुकिंग ऑल्टरनेटिव टू द चाइनीज लिथियम बैटरीज, और इसी दरमियान वी हैव स्टार्टेड टू इंगेज इन टू एन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विथ लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज बोलीविया अर्जेंटीना चिली, इनके साथ हम अग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ताकि हम यहाँ से लिथियम को इम्पोर्ट कर सकें और लिथियम को फिर हम उसकी मदद से हम लोग खुद ही लिथियम आयन बैटरी बना सकें रादर दैन इम्पोर्टिंग लिथियम आयन बैटरीज फ्रॉम चाइना। तो ये सब हमने ऑलरेडी लास्ट वीक हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 4 जनवरी 2021 में देख लिया था। अब करंट डेवलपमेंट देखते हैं। करंट डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट, जिसमें अब इंडिया ने अपने देश में एक नया लिथियम रिजर्व ढूंढ निकाला है। अभी तक हमारे देश में कोई
लिथियम रिजर्व था नहीं, क्रेडिबल लिथियम रिजर्व था नहीं, लेकिन अब इंडिया ने डिस्कवर किया एक मेड इन यानी कि पहला लिथियम रिजर्व दैट इज लोकेटेड एट मरगला अलापट्टना रीजन ऑफ कर्नाटका मांडिया डिस्ट्रिक्ट। तो कम से कम मांडिया डिस्ट्रिक्ट अब याद रखो कि इस मांडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में हमने अपने देश का पहला लिथियम रिजर्व निकाला है। अब इसकी ओवरऑल इसके अंदर कितनी लिथियम है अभी तक ये एक्सेस नहीं हो पाया है, लेकिन अगर इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लिथियम रिजर्व होगा तो हमारा डिपेंडेंस ऑन चाइना और भी कम हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू मेक सम लिथियम आयन बैटरीज इन आवर ओन कंट्री एज वेल। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट, इट इज अबाउट भ्रमण सारथी स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 आसाम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो भ्रमण सारथी स्कीम है क्या जरा देखते हैं। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम हैज़ इनिशिएटेड अ न्यू वेलफेयर स्कीम जिसका नाम है भ्रमण सारथी, और इस स्कीम के अंतर्गत अ फ्री बस सर्विस विल बी प्रोवाइडेड टू वीमेन एंड सीनियर सिटीजन्स फॉर अ डेडिकेटेड रूट्स विद इन गुवाहाटी सिटी ओनली एंड द कलर ऑफ द बसेस विल बी पिंक। इस तरह की बसेस होंगी और इसीलिए इसको हम लोग पिंक बस स्कीम नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिंक बस स्कीम। तो ध्यान रखना दैट विल बी सिमिलर टू भ्रमण सारथी स्कीम ओनली। ये जो भ्रमण सारथी स्कीम है ये असम सरकार ने अनाउंस किया था इन असम बजट ऑफ 2020-21 यानी कि लास्ट बजट में इसको अनाउंस किया था असम सरकार ने, और अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है भ्रमण सारथी स्कीम को। यू कैन सी हाउ दीज पिंक बसेज आर स्टैंडिंग इन खानापारा। In our segment, most probable PD topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 324 to 326. Topic number 324 is about Skill University in Assam. So Skill University is being opened in Mongaldoi district of Assam. It will be third Skill University of the country. The first Skill University was opened in Haryana. Please attempt this question based on topic number 324. Topic number 325 is new Chief Justice of a Guwahati High Court. Justice Sudhanshu Dhulia was on Sunday sworn in as Chief Justice of Guwahati High Court. तो ये नाम आप याद रखना हो सकता है, APSC prelims में पूछ ले कि who is incumbent Chief Justice of Guwahati High Court. Please attempt this question based on topic number 325. Topic number 326 is about STARS program. STARS, that stands for Strengthening Teaching, Learning and Results for States program, will be implemented by Department of Education and Literacy under Ministry of Education. The total cost of the project is 5,718 crore with World Bank support of about 3,700 crore. It will act in the direction of improvement in the teaching methods in 6 states that are Himachal Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Kerala and Orissa. Please attempt this question based on topic number 326. This is the answer of question number 322 to 324 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। H1N1 वायरस इज रिलेटेड टू स्वाइन फ्लू, याद रखना बर्ड फ्लू वो नहीं है, बर्ड फ्लू इज H5N1। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, स्वाइन फ्लू। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।